हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। आज लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे एडजस्टमेंट के बारे में। आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देखिए इन लेक्चर्स को। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बात का ध्यान रखना। अगर आपने ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ ली ना, तो आपका जो आधी प्रॉब्लम है इस चैप्टर की वो आज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके चलना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू 4 एडजस्टमेंट एक साथ लेकर के चलेंगे, किस तरीके से उसके। देखो, बोला जाता है ना, एक सिक्के का 2 पहलू, तो यहाँ पर भी यही बात है, ठीक है। बहुत तरीके से देखिएगा प्लीज़। देखिए, आपको पता है कि एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग वर्ड, जबकि इनकम के लिए यूज़ करते हैं एक्रूड, ठीक है। तो दोनों के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। दो पार्टी हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। बात ऐसी है मिस्टर ए की एक किराना शॉप है, ठीक है। बी एक तरह के हैं कस्टमर, ठीक है। अब बी हुआ क्या, बी ए के पास आया। बी बोला कि भाई मेरे को, बी चल के आया ए के पास, बोला कि मेरे को कुछ सामान चाहिए। इसने किया क्या, इसने मिल्क लिया। क्या लिया, मिल्क ₹500 का, ठीक है। बी ने मिल्क लिया ए से ₹500 का। अब बात आती है, बी के लिए तो खर्चा हो गया ना, उसने जैसे ही वो मिल्क परचेस करा, बी का खर्चा आकर के खड़ा हो चुका है ₹500 का। जबकि ए ने जो मिल्क बी को दिया है, इसके लिए ये क्या बन गई, इनकम, कि भाई मैंने ₹500 का आज दूध बेचा है। अभी पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रो एक्सपेंस होना और इनकम होना, इन दोनों को बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ए के लिए तो क्या हो गई है, ए के लिए तो हो गई इनकम, कितने रुपये की, ₹500 की। जबकि लिए इसके लिए हो गया है ये बी के लिए एक्सपेंस, कितने रुपये का, ₹500 का, ठीक है। अभी तक पैसे का लेन देन कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बी ने ए के पास गया, मिल्क ले लिया, बात खत्म। तो ए के लिए इनकम 500 की, बी के लिए खर्चा 500 का। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से एक्रूड इनकम बनती है और किस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनता है, बहुत तरीके से समझिएगा। ए ने मिल्क बेच दिया 500 का, इनकम जनरेट हो चुकी है 500 की, बट अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है। कहने का क्या मतलब है, इनकम अर्न बट रुपया नॉट रिसीव्ड, इट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस अकर्ड बट रुपीज नॉट पेड, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। देखिए वर्डिंग में ही मीनिंग होता है, ठीक है। रट्टाफिकेशन छोड़ दीजिए, वर्डिंग में ही मीनिंग होता है। आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी बाहर खड़ा है, ये ₹500 देना बाकी है बी को ए को। बातें इतनी क्लियर हो गई बहुत अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। तो इनकम अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई, इट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। एक्सपेंस हो गया है बट पे नहीं किया, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये तो था इनकम मीनिंग। अब बात आती है ट्रांजेक्शन क्या की जाती है। देखो
एडजस्टमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो होगी नहीं, होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट लाइक पीएनएल है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताई हुई हैं, उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब बात आती है कि ये इनकम अर्न किया बट रिसीव नहीं हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रुअल मेथड चलता है, जो बोलता है कि करंट ईयर में वो इनकम, सारी इनकम ले ली जाएंगी चाहे वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, बट अर्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अर्न, करंट ईयर में जितनी भी इनकम अर्न की है, रिसीव नॉट रिसीव्ड, सभी को इंक्लूड किया जाएगा रिवेन्यू में, लिखा जाएगा वहां पर। तो इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है, इसका जो एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है उसको इनकम में किया जाता है प्लस, इनकम में क्या करते हैं प्लस, और एडजस्टमेंट ऑलवेज दो जगह पर जाती है, बहुत ध्यान से समझना। दूसरा ये जाएगा कहां पर, ध्यान से समझिए, खुद सोचिए थोड़ा सा, बैलेंस शीट। देखिए इनकम अर्न कर ली, ठीक है, पैसा रिसीव नहीं है, बट राइट किसका आ गया, आपका, आप लाइबल हो बी से 500 रुपया मांगने के लिए, बिकॉज आपने उसके लिए उसको मिल्क दिया, इनकम जनरेट करी, अर्न करी, तो आपका हक है बी से 500 मांगने का, दैट्स कॉल्ड, वो आपका डेटर बन गया, यानी कि एसेट्स, क्या बन गया, एसेट्स। तो एक्रूड इनकम कहां पर भी जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। बताइए, बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई आपको, ठीक। बात आती है एक्सपेंस की, देखिए वही सेम कहानी, एक्रुअल मेथड चलता है, करंट ईयर का जितना भी खर्चा किया, एक्सपेंस जितना भी हुआ, पेड नॉट पेड डजंट मैटर, एक्सपेंस अकर होने से मतलब है करंट ईयर का, वो सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, यानी कि इसको भी क्या किया जाएगा, एक्सपेंस में प्लस, एक्सपेंसेस में किया जाएगा इसको प्लस। सेकेंड चीज, बी को पे करना है इन फ्यूचर पे करना, दैट्स मीन लाइबिलिटी, क्या होता है लाइबिलिटी, बिकॉज बी के लिए ए क्रेडिटर है, इन फ्यूचर पे करना है पैसा, तो बैलेंस शीट कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। बताइए, इतनी बातें आप सभी को समझ में आई है, बहुत ही सिंपल है, एडजस्टमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको धीरे 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 चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लॉकडाउन चल रहा है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी, कुछ ना कुछ न्यू लर्न कीजिए, ठीक है गाइज। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, अब बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्रूड इनकम के बारे में, उसको भी बहुत तरीके से समझना है आपने। ये चारों एडजस्टमेंट इसलिए समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, मतलब एग्जाम में तो जरूर आना ही आना है यहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको, ठीक है। देखिएगा प्लीज, अनएक्रूड इनकम, यहां पर भी कौन है, इस बार भी मिस्टर ए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहां पर भी कौन है, मिस्टर बी, क्लियर इतना। अब होता क्या है, बहुत तरीके से समझिए, अनएक्रूड इनकम हुआ क्या, बी आया किसके पास, ए के पास, कि भैया ले पकड़ ₹500, कितना दे दिया ₹500, कुछ परचेज नहीं करा, कुछ सेल नहीं करा, नो परचेज एनी आइटम एंड नो सेल, कुछ भी नहीं हुआ है दोनों के बीच, सिर्फ और सिर्फ बी ए के पास आया, बोला कि ले भैया ₹500, कितना 500, ए बोला क्यों, बोला कि इन फ्यूचर तुम्हारे से कल मैं सामान लूंगा ये वाला, तो एडवांस में आप मेरा पैसा रख लीजिए अपने पास, ठीक है। क्या ए ने ये पैसा अर्न किया क्या, नहीं,
क्योंकि उसने कुछ भी सोल्ड नहीं किया है। किराना शॉप थी, लास्ट वाला एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अनएक्रूड इनकम होती क्या है, इनकम नॉट अर्न बट रुपया रिसीव्ड, ठीक है। इनकम अर्न नहीं करी है बट पैसा इन एडवांस आपको मिल गया, ठीक है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस नॉट अकर्ड बट रुपया पेड, यानी कि खर्चा तो किया नहीं है बट इन एडवांस में पेमेंट कर ही आए पहले से ही पहले। तो इस तरह की चीजों को प्रीपेड, अरे प्रीपेड फोन में रिचार्ज कराते हो, प्रीपेड। प्रीपेड का क्या मतलब होता है, पहले पे करो आफ्टर डेट यूज करो, इट्स कॉल्ड प्रीपेड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। अब इनका भी ट्रांजेक्शन देखिए किस तरीके से किया जाता है। देखो बात बोली थी, लास्ट वाला एग्जाम्पल ही ध्यान में रखना, इनकम करंट ईयर में जितना भी इनकम अर्न करेंगे, रिसीव नॉट रिसीव, उस उन सभी को रिवेन्यू में ऐड कर लेंगे। क्या ये इनकम अर्न करी है क्या, नहीं। पैसा मिला नहीं मिला डजंट मैटर, इनकम तो अर्न नहीं हुई है ना। जब इनकम अर्न नहीं हुई है तो इसको रिवेन्यू में प्लस नहीं करेंगे, इट्स मीन इसको वहां से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम इनकम में से कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे, माइनस। सेकंड थिंग, बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा, देखिए पैसा आपका नहीं है। सपोज कीजिए बी ने आपको पैसा दे दिया, क्या पता कल को वो सामान ना ले आपसे, कुछ बोलने लगे कि मेरे को आपसे कुछ सामान नहीं लेना है, प्लीज मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपको वो पैसा बी को रिटर्न करना पड़ेगा, इट्स मीन इट्स अ लाइबिलिटी। वो पैसा जो आपने अर्न नहीं किया बट आपके पास है, इट्स अ लाइबिलिटी। ओके गाइज, लाइबिलिटीज क्लियर। अब आगे की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं, सेम बात। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया करंट ईयर का जितना खर्चा हुआ, पेड नॉट पेड सबको ले लो, बट एक्सपेंस ही नहीं हुआ है तो पेड करा नहीं करा डजंट मैटर, ठीक है। तो एक्सपेंस में से कर देंगे इसको माइनस। सेकंड थिंग, बैलेंस शीट बी का अभी भी राइट है उन 500 रुपए पर, क्योंकि उसने अभी तक इसका कुछ भी परचेज नहीं किया है। ये चाहे तो वापस ले सकता है, जैसे यहां पर बात बोली थी कि रिटर्न कर सकता है, तो अभी भी इस 500 पर किसका राइट है, बी का। तो बी जिस चीज पर आपका राइट होता है वो आपकी एसेट्स होती है, तो ये कहां पर आएगी, बैलेंस शीट एसेट्स में। बताइए इतनी बातें आप सभी को समझ में आई है नहीं आई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, बिकॉज जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना वो इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर वो लेक्चर होगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर इन सभी चीजों का यूज किया जाएगा। इसलिए पहले स्पेशली एक अलग लेक्चर में इसको बहुत तरीके से समझाया गया, जिससे कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है गाइस। क्लास लेक्चर देखते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपसे कल, ऐसे ही डेली आपसे मिलना होगा, महीने दर महीने ऐसे ही चलता रहेगा। और हाँ एक चीज और, संडे, ऑन संडे, एवरी संडे, संडे को आपको ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर नहीं मिला करेगा। ट्वेल्थ ऑन संडे आपको एक 10+2 यानी कि आफ्टर 10+2 आपको क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए, उन सभी कोर्सेज का एक एक स्पेसिफाइड लेक्चर एवरी संडे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए अगर अच्छा लगा है तो। थैंक यू वेरी मच।